आदर्श शिक्षा समिति सिरोही के तत्वावधान में आयोजित कक्षा दसवीं विषय संस्कृत की ऑनलाइन क्लास में प्यारे भैया बहनों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज हम आगे की कड़ी में द्वितीय पाठ बुद्धि पद्धति सदा के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। मेरे द्वारा सबसे पहले आदर्श वाचन किया जाने वाला है। आदर्श वाचन मेरे द्वारा करने के उपरांत आप सभी भैया बहन अनुकरण वाचन स्वयं करेंगे और इसके उपरांत पुनः मेरे द्वारा एक एक शब्द का आपको हिंदी अनुवाद करवाया जाने वाला है। ध्यान करें, आदर्श वाचन किया जा रहा है जम्मू का। द्वितीय पाठ बुद्धि पर्वती सदा जम्मू का। स्वामी यत्रास्ते साधुता तत्र गम्यताम व्याघ्र तव पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखमपीक्षते यदि तर्हि त्वया अहम् अन्तव्यः इति ओर्मिणः व्याघ्रः श्रीगार यदि त्वं मां मुक्त्वा यासि तदा वेलाप्य वेला स्यात् ओर्मिणः जम्बुकः यदि एवं तर्हि मम निजगरे बद्ध्वा चल सत्वरम् ओर्मिणः स व्याघ्रः तथा कृत्वा काननम् ययौ ओर्मिणः सृगारेण सहितं पुनरायान्तं व्याघ्रम् दूरा दृष्ट्वा बुद्धिमती चितिवती जम्बुक कृतोत्साहात् व्याघ्रात् कथम् मुच्यताम् प्रश्नवाचः परं प्रत्युत्पन्नमती सा जम्बुक माक्षिपन्त्यङ्गुल्या तर्जयन्त्युवाच। श्लोक है, ध्यान करें। रे धुन त्वया दत्तं मह्यं व्याघ्रत्रयं पुरा विश्वास्याद्येक मानीय कथम यासि वदा धुन। ये भी दूसरा श्लोक है। इत्युक्त्वा धाविता तोणं व्याघ्रमारी भयंकरा व्याघ्रोऽपि सहसा नष्टः गर्भद सृगालकः। एवं प्रकारे बुद्धिमती व्याघ्रजा भयात् पुनरपि मुक्ता अभवत् पूर्णिरा। अतः उच्यते बुद्धिर्बलवती तन्वी सर्वकार्येषु सर्वदा। ये मेरे द्वारा आदर्श वाचन किया गया है। अनुकरण वाचन आपके द्वारा किया जाएगा। इसके उपरांत हिंदी अनुवाद एक एक शब्द का ध्यान करें। व्याकरण सहित हिंदी अनुवाद किया जाने वाला है। जम्बुका होता है सिया। सिया का क्या वाली शब्द है? स्वामी, स्वामी मालिक। यत्रास्ते यत्र धनास्ते यत्र निजहा। अब ये शब्द है यत्र निजहा। सा धूता आस्ते सा वह सा सर्वनाम शब्द है। बाघ को मारने वाली सैनी के लिए आया। सा धूता सा वह धूता ने धूल चालाक आस्ते में है। जहां पर वह चालाक आस्ते में है तत्र गम्यता वहां जाना चाहिए। तत्र अवय शब्द है वहां गम्यता में जाना चाहिए। ये भी ध्यान करें। सियार कह रहा है सैनी के लिए कह रहा है जहां पर वह चालाक है वहां जाना चाहिए। व्याघ्र बाघ तब पुनः तत्र गतस्य तब तुम पुनः फिर तत्र निवहा गतस्य निगय हुए सा सम्मुखम मपीक्षते सभी के सा निवह उस सा का मतलब बहुत भी होता है। सर्वनाम शब्द है तब स्त्रीलिंग पद्मावति एकजन सा ने उस सम्मुखम मपीक्षते सभी के सम्मुखम धन अपि धन ईक्षते तुम्हें फिर तत्र निवहा तत्र हमें शब्द ध्यान रहे गतस्य निगय हुए सा सम्मुखम अपि यदि सा ने उस उसके सामने यदि सम्मुख में सामने यदि यानी अगर अपि यानी भी ईक्षते यानी देखते हो तुम फिर वहां गए हुए यदि उसके सामने भी देखते हो तरही यानी तो या यानी तुम्हारे द्वारा युष्मत् शब्द रूप तृतीय विभक्ति एक वचन तुम्हारे द्वारा अहम यानी मैं अस्मत् शब्द रूप प्रथमा विभक्ति एक वचन मैं अंतव्य हूं मारा जाना चाहिए मुझे मारना चाहिए। अंतव्य हम धातु तबियत पढ़ते हैं पुल्लिंग में अंतव्य होता है स्त्रीलिंग में अंतव्य और नपुंसक लिंग में अंतव्य हम धातु है मारना चाहिए। व्याघ्र बाघ बोलता है शिकार सिया यदि तुम यदि अगर तो मैंने तुम इस पद शब्द रूप प्रथमा विभक्ति एक वचन यदि तुम मां मैंने मुझको अस्मत् शब्द रूप द्वितीय विभक्ति एक वचन मुझको मुक्तवा छोड़कर
मुंज धातु कत्वा प्रत्यय और शब्द बन गया मुंजवा छोड़कर यासी जाते हो या याची यासी का मतलब जाते हो वर्तमान काल मध्यम पुरुष एकवचन जाते हो तदानि सब तदा वे शब्द है वेला अपि वेला संधि विच्छेद वेला अपि अवेला संधि विच्छेद हो गया वेला अपि अवेला इको यंची यं संधि है वेला यानी समय अपि यानी भी अपि अवे शब्द है भी अवेला यानी असमय अर्थात कुछ समय समय भी कुछ समय स्या करने हो जाना चाहिए होना चाहिए स्या स्या दाम स्यू अस धातु है विधि लिंग नकार प्रथम पुरुष एकवचन चाहिए अर्थ में विधि लिंग का प्रयोग किया जाता है होना चाहिए समय भी असमय होना चाहिए जम्बू कह सिया यदि एवं यदि अगर एवं इस प्रकार है एवं भी अवय शब्द है यदि भी अवय शब्द है तरही भी अवय शब्द है यदि अगर एवं इस प्रकार तरही है तरही है तो मां मैंने मुझको अस्मत शब्द द्वितीय पंक्ति एकवचन मुझको निज गले निज यानी अपने स्वयं के गले यानी गले में बंधवाने बंद कर बंद धातु कौन सी धातु है बंद और कत्वा प्रत्यय बंद कर सत्वरम चलो सत्वरम यानी शीघ्र जल्दी चल यानी चलो चल धातु लोट लगा आज्ञाकार मध्यम पुरुष एकवचन जब एक चल क्रिया मध्यम पुरुष एकवचन तो इसका कर्ता साइलेंट है और मध्यम पुरुष एकवचन का कर्ता हो जाएगा त्वम तुम चलो अगर इस प्रकार है तो मुझको अपने गले में बांध कर तुम जल्दी चलो सब याग्रह बहुवाक सर्वम ये शरणाव शब्द है बहुवाक तथा कृत्वा वैसा करके तथा भी अवे शब्द है कृत्वा में क्री धातु कृत्वा पड़ते करके काननम ययौ कानन जंगल का पर्यायवाची शब्द है जंगल में ययौ वो चला गया श्रृंगारे सहितम सियार के साथ के सही कम निशान पुनरायांतम संधि से पुनः धन आयांतम पुनः फिर वापस आयांतम आते हुए व्याकरण ने बाघ को दूरा ने दूर से पंचमी भक्ति हो गया दूरा दूर से दृष्टवा ने देखकर दृष्ट धातु और कथा प्रत्यय देखकर बुद्धिमती 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 किसके लिए आया सेनी के लिए व्याक्रमण बाघ को मारने वाली बुद्धिमती ने चिंतित प्रति ने सोचा चिंत धातु कत्वतु प्रत्यय स्त्रीलिंग सोचा जम्बु कृतोत्साह संधि विच्छेद होगा जम्बु कृत उत्साह जम्बु के निश्चिया के द्वारा कृत कृत धातु और कत्वा प्रत्यय किए गए उत्साह यानी उत्साह से जोश से सिया द्वारा किए गए जोश से व्याघ्रा बाघ से पंचमी व्याकरण की पंचमी पंक्ति व्याघ्रा बाघ से प्रथम प्रश्नवाचक शब्द ध्यान करें कथा मैंने कैसे मुंचिता मैंने छोड़ना चाहिए बचना चाहिए मुंच धातु बचना चाहिए प्रश्न पूछा है प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हुआ परम अंग्रेजी में बट आता है संस्कृत में आता है परम लेकिन प्रत्युत्पन्न मति जिसको अपन कहेंगे तुरंत बुद्धि वाला तुरंत बुद्धि वाली तुरंत बुद्धि वाली सा उसने उस सेनी ने जम्बू माछी पंचमूल्या जम्बू के निश्चिया पर जम्बू कम जम्बू कम मलब हो जाएगा आक्षी पंत्य का संधि से जो आक्षी पंती यह संधि है अंगुलिया संधि से ध्यान करें जम्बू कम मलन माँ में आ लिखेगा आक्षी पंत्य का हो जाएगा आक्षी पंती और यह में आ लिखेगा अंगुलिया लेकिन तुरंत बुद्धि वाली ताने उस शेर ने जम्बुकम आक्षेपण ने जम्बुकम ने सियार पर आक्षेपण दिए आक्षेप लगाते हुए आक्षेप लगा अंगुलिया ने उंगली से आक्षेप लगाते हुए तर्जयंती वाच संधि के तर्जयंती यह संधि है तर्जयंती की बड़ा होगा वाच डांटते हुए तर्जयंती का मतलब हो गया डांटते हुए वाच ने कहा लेकिन तुरंत बुद्धिवादी ने जम्बू कम सियार पर अंगुलिया ने अंगुली से आक्षी पंथी आक्षेप लगाते हुए तर्जयंती डांटते हुए उवाच कहा क्या कहा भाई देखिए ध्यान करें अन्न रे रे धुर प्रयादत्तम मयम
मया कृतयम् पुरा विश्वास्यादि मानीय कथम यासि लाभो। ध्यान करें, मैं कर रहा हूं इसका सबसे पहले एक नंबर पे अंडर में आएगा रे भूत, दो नंबर पे त्वया, तीन नंबर पे मह्यम, चार पे पुरा, पांच पर व्याकृतयम् और छह पर आएगा दत्त। मैंने अन्वय के लिए कुछ अंक भी दिए, ध्यान करें पहली लाइन में, दूसरी लाइन में अन्वय होगा विश्वास, ये संधि विच्छेद है, सबसे पहले संधि विच्छेद दिखे विश्वास्य, ये संधि विच्छेद में अद्य, एक मात्रा लगी है एकम आदि है, ध्यान करें इसलिए बहुत बड़ा संधि विच्छेद है विश्वास्य अद्य एकम आदि है, पुनः कह रहा हूं विश्वास्य अद्य एकम आदि है कथम, इधर अन्वय ध्यान करें, एक पे आएगा विश्वास्य, दो पे आएगा अद्य, तीन पे आएगा एकम, चार पे आएगा आदि, पांच पे आएगा कथम, छह पे आएगा यासी और सात पे आएगा अधूरा, फिर आएगा मध्य। अब इसका हिंदी का समझे, रे रे धूल, अरे रे रे अरे अरे धूल यानी चालाक, सियार कह रहा है कौन कह रहे रे धूल अरे अरे चालाक, तो यार तुम्हारे द्वारा, तो यार विश्व सदुरु प्रद्यापति एकचंद तुम्हारे द्वारा पूरा है पहले व्याकृत त्रयम तीन बार व्याकृत रे मैया मनी मेरे लिए, पुनः देखे अरे अरे चालाक तुम्हारे द्वारा मैया मनी मेरे लिए अस्मत सद्गुरु चतुर्थी भक्ति का एक जन मेरे लिए पूरा है पहले व्याकृत त्रयम तीन बार त्रयम व्याकृत तीन बार दत्त मनी दिए गए थे। दावते हुए क्या कहा कि अरे अरे चालाक तुम्हारे द्वारा मैया मैंने मेरे लिए पुराने पहले तीन बार दत्त मैंने दिए गए विश्वास्य विश्वास दिलाकर, विश्वास्य का मतलब होता है विश्वास दिलाकर, अध्ययने अध्ययने आज विश्वास्य विश्वास दिलाकर, मैं विश्वास दिलाकर अध्ययने आज एकम आनीय एकम ने एक को आनीय ने लाकर अवसर नि धातु और व्यक्त होते और सब बन गया आनीय लाकर कथम यासी कैसे यासी जा रहे हो या क्यों जा रहे हैं, प्रथम का मतलब कैसे भी होता है, प्रथम का मतलब क्यों भी होता है, यासी नहीं जा रहे हो मैं विश्वास दिला विश्वास से विश्वास पूर्वक विश्वास दिलाकर अध्ययन आज एक माननीय एक को लाकर प्रथम ने कैसे यासी जा रहे हो, यासी मध्य पुरुष एक की क्रिया करता है तुम जा रहे हो विश्वास दिलाकर आज एक को लाकर तुम कथम यासी कैसे जा रहे हो अधुना वद अधुना ने इस समय अब वद ने बोलो तुम बोलो वद तुम वद तम वद तुम लोट लगा मध्यम पुत्र एकचंद की क्रिया तो करता है तमम तुम बोलो इस समय तुम बोलो। इत्युक्ता धारिता तोरण व्याघ्रमारी भयंकरा व्याघ्रोपि सहसा नष्ट गलबद श्रीगामिका। अन्वय देखे दूसरे श्लोक का, इत्युक्ता संधि इति धनुत्वा एक नंबर पे, दो नंबर पे आएगा भयंकर, तीन पे आएगा व्याघ्रमारी, चार पे आएगा तूर्णम, पांच पे आएगा धारणा। मैंने कुछ अन्वय के लिए कुछ अंग भी दिए हैं, व्याघ्रो अपनी इसमें एक नंबर पे आएगा गलबद्ध श्रृगाल का, दो नंबर पे आएगा व्याघ्रो अपनी का संचित व्याघ्र धन अपनी, तीन नंबर पे सहसा, चार पे आएगा नष्ट। अब इसका हिंदी में समझे, इति उक्त्वा इति धन उक्त्वा इति यानी ऐसा उक्त्वा ने कहकर भयंकर यानी भयंकर भयानक व्याघ्रमारी बाघ को मारने वाली सेनी बाघ को मारने वाली सेनी तूर्ण यानी शीघ्र जल्दी धाविका ने भाग गई, धाविका ने भाग गई, धाव धातु कथा पड़ते ताप भाग गई, ये सब कहकर भयंकर या भयानक बाघ को मारने वाली सेनी तूर्ण यानी शीघ्र धाविका ने भाग गई। गल बंद श्रृंगाल कहो, गले में बंधे हुए सियार वाले गल यानी गले में बंद यानी बंधे हुए श्रृंगाल कहो यानी सियार गले में बंधे हुए सियार वाला व्याघ्रह अपनी व्याघ्रह अपनी कसम से व्याघ्रह अपनी शेर भी बाघ भी सहसा ने अचानक अवे शब्द ध्यान करे सहसा शब्द अवे है सहसा ने अचानक नष्ट हो यानी भाग गया नष्ट हो यानी भाग गया नष्ट धातु कथा बोलते एवं इस प्रकार एवं प्रकार इस प्रकार से बुद्धिमती 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 सेनी व्याघ्रजात भया बाघ के भय से
पुनरपि पुनः धनपि फिर भी पुनः भी अव्यय है अपि भी अव्यय है फिर भी मुक्ता अभवत मुक्त ने आजाद अभवत ने हो गई अतः इसलिए केवल ही उच्चते ने कहा जाता है इसलिए ही कहा जाता है बुद्धि बलवती तन्वी सर्वकार्य सुसंजा ध्यान करें हमें भी इसमें भी सुक्ति है तन्वी हे दुबले पतले शरीर वाली हे दुबले तन्वी का मतलब होता है हे दुबले पतले शरीर वाली देवी सर्वदा में हमेशा सर्वकार्य सभी कार्यों में बुद्धि बलवती बुद्धि बलवान होती है हे दुबले पतले शरीर वाली हे देवी हमेशा सभी कार्यों में बुद्धि बलवती बुद्धि बलवान होती है। आज हम सब भैया बहन इस दूसरे पाठ का समापन कर रहे हैं। इस पाठ के अंतर्गत आपको कुछ गृह कार्य दिया जाएगा। मैं पूर्ण आशान्वित हूं कि जो मेरे द्वारा गृह कार्य आपको पीडीएफ के रूप में दिया जाने वाला है उसको आप अपनी संस्कृत की अभ्यास पुस्तिका में हल करेंगे शुद्ध लिखेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। वंदे मातरम।